जय हिंद गाइस, आज हम जानते हैं क्वार्स क्या है, क्यों फटी हुई है चीन की, और क्यों ये बांग्लादेश को शामिल होने से मना कर रहा है क्वार्स में। तो आइए पूरी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले ये इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें चार देश आते हैं, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इस क्वार्स का मुख्य उद्देश्य है साउथ चाइना सी को और घिरने से बचाना। जैसे कि हम जानते हैं चाइना धीरे धीरे सब पर कब्जा कर रहा है। ये जो साउथ चाइना सी है उस पर चाइना अपना कब्जा बता रहा है। इस पर बहुत सारे देश आते हैं जैसे कि वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बुरुनई, जापान, फिलीपींस, और ये बहुत सारे देश आते हैं। लेकिन इनके जो कब्जे में समुद्र है वो चाइना कहता है वो सारा समुद्र मेरा है, यानी इन्हें बिल्कुल भी समुद्र लेना नहीं लेता। लेकिन जो समुद्र का कानून है वो कहता है कि कोई भी देश अपनी ज़मीन से 12 नॉटिकल माइल तक वो समुद्र का एरिया उस देश का हो जाता है। वैसे ये कानून सब देश के लिए अलग अलग है। तो दोस्तों आपके याद होगा 2020 में मालाबार एक्सरसाइज हुई थी जिसमें चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकाया था भाग न लेने से, लेकिन जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को समझाया तो वे समझ गए और उन्होंने मालाबार एक्सरसाइज में भाग भी लिया। इस मालाबार एक्सरसाइज का सबसे बड़ा उद्देश्य था चीन को दिखाना। जी हाँ, चीन ने इसे देखा भी और डर गया और अपने पैर पीछे ले लिए। कहीं ना कहीं यही वजह है जो चीन क्वार से डरता है। अब मान लीजिए यदि बांग्लादेश इसमें शामिल हो जाता है तो ये और पावरफुल हो जाएगा देश, जो क्वार समूह है ये और पावरफुल हो जाएगा। वो इसके पावरफुल होने का मतलब है इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब यदि ये जो चाइना है वो बांग्लादेश में अपनी सड़क और बंदरगाह लेना चाहता है, यदि ये क्वार समूह में शामिल हो गया तो वे ऐसा नहीं कर पाएगा। तो बांग्लादेश उसे साफ साफ मना कर देगा, भाई हम तुम्हें सड़क नहीं देते। तो सारा मैटर सब यहीं पर है क्योंकि हिंद महासागर में चीन अपने पैर पसारना चाहता है और हिंद महासागर में ना पैर पसारे इसलिए जापान ने 2007 में क्वार्स की स्थापना की थी। तो जय हिंद गाइस। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना।